हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है और आज मैं आप लोगों के साथ कोई हेयर स्टाइल नहीं शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये वाला हेयर कलर शेयर करने वाली हूँ। ये मैं अपने बालों पे कलर करने वाली हूँ और मेरे बाल काफ़ी वाइट हो चुके थे, जिसकी वजह से मैं ये इनेगा क्रीम हेयर कलर 4 नेचुरल ब्राउन कलर है विथ आर्गन ऑयल एंड ग्रीन टी एक्स्ट्रा इसमें है। एंड ये इस पर लिखा हुआ है कि 100% लॉन्ग लास्टिंग ग्रे कवरेज करेगा ये हेयर को, यहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं और इसका फाइनल रिजल्ट जो होगा उसको आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो इसमें दिया क्या क्या हुआ है, इसमें आपको मिलेगा ये इनेगा डेवलपर मिल्क और ये आपको हेयर कलर मिलेगा, ये शेड नंबर 1 है। आई होप कि दिख रहा हो आपको, ये देखिए। और इसमें आपको दिया गया है एक ब्रश एंड ग्लव्स एंड आपको जब हेयर वॉश करना है तो ये कंडीशनर यूज करना है। आपको यहाँ पे शैम्पू यूज नहीं करना है, ओनली बालों को से क्रीम को निकालने के बाद कंडीशनर अप्लाई करना है, 2 से 5 मिनट रखना है एंड वॉश कर देना है। 2 दिन के बाद आप शैम्पू करोगे। ओके, तो इसका इनेगा का ही कंडीशनर यहाँ पे मुझे दिया गया है। तो इसको एक शीशे के बाउल में मैं इसको निकाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो कैसे करना है सब कुछ शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो इसको मैंने पिन से ओपन कर लिया, इसको सॉरी पिन थोड़ी सी वीडियो ऑन नहीं हुआ था। इसमें इस तरीके का पिन दिया हुआ है, इसी से आप इसको हॉल कर लोगे और जितना आपके बालों को चाहिए उतना कलर यहाँ पे निकालोगे। मैं पूरा ले रही हूँ, आप अपने बालों की लेंथ और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आपका हाफ में भी हो जाएगा, या पर आप बॉय हो तो थोड़ा सा क्रीम लेके भी हो जाएगा। तो इसको मैं पूरा निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ पे रखा है मैंने बाउल को और इसको पूरा निकाल लूंगी मैं। उसके बाद मैं ये यहाँ पे डेवलपर मिल्क जो है, डेवलपर क्रीम, इसको ओपन कर रही हूँ एंड इसमें इस तरीके का एक ढक्कन दिया हुआ है, इसको निकाल लेना है। उसके बाद मैं पूरा इसमें इस तरीके से निकाल ले रही हूँ। अगेन बोलूंगी, आप अपने बालों के क्वांटिटी, बालों की लेंथ एंड वॉल्यूम के हिसाब से निकालिएगा। मुझे पूरे बालों में लगाना है तो मैं इसको इस तरीके से निकाल रही हूँ। ये मुझे 200 समथिंग में ऑनलाइन लिया था मैंने इसको मीशो से, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपको चाहिए होगा तो आप ले लीजिएगा। और हाँ, इसको निकालने के बाद से आपको अच्छे से इसको ब्रश की मदद से मिक्स करना है। धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा बाउल भर चुका है कटोरी यहाँ पे। अच्छे से मिक्स कर दिया है एंड ग्लव्स जरूर पहन लीजिएगा बालों में लगाने से पहले। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, थोड़ा भी फास्ट करोगे या फिर स्किप करोगे तो कुछ ना रह जाए और अच्छे से समझ में ना आए। तो ये ग्लव्स मैंने इस तरीके से ले लिया है और जैसे आपको कोई फंक्शन पार्टी के लिए इसको लगाना है तो आप कम से कम 15 दिन पहले लगा लीजिएगा, क्योंकि हेयर 2-3 बार वॉश करने के बाद ही अच्छा नेचुरल कलर जो हमको चाहिए होता है वो मिल पाता है हमको। तो ये ग्लव मैंने पहन लिया है, दोनों हाथों में पहन ले रही हूँ। अगर आप नहीं पहनोगे तो आपके हाथों में कलर लग सकती है, बट आप अपने कंफर्ट को देख लीजिएगा। और ये देखिए मेरे बालों में वाइट वाइट हेयर आपको दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा वाइट हेयर है और यहाँ पे है, आई होप कि दिख रहा हो आपको। ये देखिए, अब मैंने अपना वाइट हेयर आपको दिखा दिया, ये देखिए कितना ज़्यादा वाइट हेयर है यहाँ पे, है ना। अब मैं इसको कलर करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। ये देखिए कितना ज्यादा वाइट हेयर है। तो चलिए कलर लगाना स्टार्ट करते हैं। अच्छे से आराम आराम से लगाएगा, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। चश्मा को मैं निकाल देती हूँ साइड में एंड
ईयर के पास से स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा मिरर में भी देख लीजिए, अगर ना समझ में आए तो, कि कैसे लगा रही हूँ। पूरा स्कैल्प से लगा रही हूँ, क्योंकि जो ग्रे हेयर है वो पूरा स्कैल्प से है मेरे। पतली सेक्शन छोड़ते हुए आपको बालों पे कलर लगाना है। आधा घंटा से 1 घंटा आपको रखना है परफेक्ट रिजल्ट के लिए, अच्छा रिजल्ट मिले इसके लिए। ये देखिए यहाँ पे मेरे बहुत ज्यादा ग्रे हेयर है, व्हाइट हेयर। ये तो फ्रंट में तो मैंने पूरा कलर लगा लिया है, एंड बैक में लेंथ में पूरा लगाने के बाद से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कलर मैंने लगा लिया है और मुझे ये ब्राउन नहीं दिख रहा, मुझे तो ब्लैक कलर दिख रहा है। बाकी फाइनल रिजल्ट क्या आता है वो देखते हैं। ब्लैक भी काफी टाइम हो गया मुझे ब्लैक कलर यूज किए हुए, तो ब्लैक कलर देखते हैं कैसा लगता है मेरे ऊपर। बाद में फिर कलर कोई कर लेंगे अगर ये नहीं सूट किया तो। एंड जो कलर आपके फेस पे लग गया है उसका आप क्या करोगे, तो आप कोई मॉइस्चराइजर या ऑयल लेके पहले फेस पे अच्छे से मसाज कर देना, और उसके बाद से आप इसको धीरे धीरे कॉटन की मदद से रिमूव करोगे तो इजीली रिमूव हो जाएगा। ओके, तो चलिए 1 घंटे के बाद मिलते हैं हेयर को वॉश करने के बाद। ओके, और ये पूरा खराब हो चुका है। ग्लव्स ये देखिए, एंड ये सारा कुछ खाली हो चुका है। हाँ, इसके इसके साथ मुझे एक पैकेट और दिया हुआ था, तो बॉयज के बालों में इजीली ये लग जाएगा। ये मैं अपने हस्बैंड पे यूज कर लूंगी। मिलते हैं हेयर वॉश करके, एंड फाइनल रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, हेयर कलर मैंने कर लिया है एंड हेयर ड्राई भी हो चुके हैं। कंडीशनर लगा के हेयर को वॉश कर लिया है। सिंपल मैंने ये शैम्पू नहीं किया है, ओनली पानी से हेयर को वॉश करके कंडीशनर लगा के 5 मिनट या 2 मिनट रखा होगा एंड धो दिया है। उसके बाद से मेरे बाल काफी ज्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं, स्मूथ लग रहे हैं, एंड कलर भी काफी अच्छा आया है। और ग्रे हेयर कवर करने के लिए उन्होंने बोला था, तो ग्रे हेयर आप देख सकते हो यहाँ पे 90% तक मेरे ग्रे हेयर कवर हो चुके हैं। तो आप चाहो तो ये हेयर कलर मंगा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो इसका इन्फॉर्मेशन, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर से लेकर आऊंगी इसी तरीके की और वीडियो, चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बैक से आप देख सकते हो कलर, काफी टाइम से मेरे ब्राउन हेयर थे गोल्डन कलर में, तो
तो मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज किया जाए, इसलिए मैंने इस तरीके से ब्लैक किया है। आपको कैसा लग रहा है ये हेयर कलर मेरे ऊपर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना, नहीं किया तो ग्रे कलर के बटन को सॉरी रेड कलर के बटन को ग्रे में कन्वर्ट कर दीजिए, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो लेके आऊँ तो नोटिफिकेशन आप लोग को शो हो जाए, एंड लाइक भी कर दीजिएगा। सेकंड चैनल सिलाई कोर्स से रिलेटेड है, सिलाई में जो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं हम लोग को नहीं समझ में आती है वो सारी चीज़ें मैं उस चैनल पे सॉल्व करती हूँ। प्रीत तिवारी 2 सेकंड चैनल का नेम है, तो उसमें भी जरूर जाइए और उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।